गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। तो प्रीवियस यूनिट में हमने जेंडर देखा था, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज बी है और आप जानते हो जेंडर तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है, दो जेंडर हमने देखे हैं। तो टुडे यू हैव टू फाइंड आउट मैस्कुलाइन नाउन्स एंड फेमिनाइन नाउन्स। तो आप लोगों को यहाँ एक्सरसाइज बी है, ये आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज बी। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे और उसे क्या करना है हम देखेंगे। सर्कल ऑल द वर्ड्स, आपको सर्कल करने हैं ऑल द वर्ड्स इन द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर है जो, उसमें आपको सर्कल करना है इन द पजल बिलो, जो ये पजल दी गई है उसमें से, एंड राइट देम इन द करेक्ट ग्रुप्स। आपको करेक्ट ग्रुप्स में लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि मैस्कुलाइन नाउन्स एंड फेमिनाइन नाउन्स। तो वुमन ये रहा वुमन, तो वुमन कौन है, वुमन किस जेंडर में आएगा, तो वो फेमिनाइन, तो फेमिनाइन यानी कि फीमेल पर से बनाई है फेमिनाइन, तो वुमन यानी स्त्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वुमन। दूसरा है हैन, एच ई एन हैन, तो हैन आप लोग किस जेंडर में गिनेंगे, तो हैन को हम फेमिनाइन में गिनेंगे, ये रहा हैन फेमिनाइन में। मैन, एम ए एन मैन, तो ये मैस्कुलाइन यानी कि मैन पर से बना है, तो ये हम लिखेंगे मैन यहाँ पे मैस्कुलाइन में। सन, तो सन जो है ये सन भी हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मैस्कुलाइन में लिखेंगे। और मदर, तो मदर जो है वो फेमिनाइन है, वो तो हम मदर को यहाँ लिखेंगे फेमिनाइन में, फेमिनाइन नाउन्स में लिखेंगे। और काउ, काउ जो है वो भी फेमिनाइन में लिखेंगे। सिस्टर तो फेमिनाइन नाउन में। ब्रदर, ब्रदर यानी कि भाई, तो ब्रदर किस में लिखेंगे हम, यहाँ मैस्कुलाइन में लिखेंगे। लायन, तो लायन जो है शेर, तो हम ये यहाँ मैस्कुलाइन में लिखेंगे। तो ये रहा पजल, और ये पजल भी सॉल्व हो गया है आपका, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मैस्कुलाइन नाउन्स और फेमिनाइन नाउन कौन कौन से हैं और आप किस कैटेगरी में आपको उसे रखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स पूरी करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स, वर्ड्स शब्दों से पूरी करनी है। ये रहे वर्ड्स, ये गर्ल, ग्रैंडफादर, अंकल, ये जो वर्ड्स है, हॉर्स, हैन, ये वर्ड्स से आपको क्या करना है, आपको ये ब्लैंक्स पूरी करनी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो, जो लिस्ट नीचे है उसमें से, टू मेक करेक्ट जेंडर पेयर्स। आपको करेक्ट जेंडर पेयर जो पेयर है वो आपको मिलाना है यानी पेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंक है लेकिन, और यहाँ पे आंट है, तो आंट जो है यहाँ पे, तो हम उसके सामने आंट जो है वो कौन है, आंट है जो फेमिनाइन है, तो हम उसके सामने क्या रखेंगे, अंकल यानी कि मैस्कुलाइन रखेंगे। फिर यहाँ पे है बॉय, तो बॉय जो है वो कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन, तो हम उसके सामने क्या रखेंगे, गर्ल लिखेंगे। हॉर्स, तो हॉर्स जो है वो हॉर्स मैस्कुलाइन है, और मैर यानी कि घोड़ी, तो हम उसे यहाँ पे फेमिनाइन में, यानी कि फेमिनाइन जो है यहाँ पे वो, तो उसके सामने हॉर्स लिखेंगे। सीओ सिक्के कॉक, तो जो कॉक है वो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, हैन मुर्गी, और ये मुर्गा।
यहाँ पे ब्लैंक ग्रैंडफादर, तो ब्लैंक में क्या लिखे हैं, ग्रैंडफादर, क्योंकि सामने क्या दिया गया है, ग्रैंड मदर। तो एक तरफ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैस्कुलाइन नाउन्स और फेमिनाइन नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैथ द फॉलोइंग, ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने रखा है। तो मैथ द फॉलोइंग, आपको मैथ द फॉलोइंग करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रिंस, तो मैंने प्रिंस के लिए प्रिंसेस, तो प्रिंस जो है तो राजकुमार, तो उसके सामने प्रिंस है मैस्कुलाइन, तो मैस्कुलाइन जो है उसके सामने हम फेमिनाइन रखेंगे, तो क्या आएगा, प्रिंसेस। एक्टर, उसके सामने हम एक्ट्रेस रखेंगे क्योंकि वो फेमिनाइन है, एक्ट्रेस फेमिनाइन और एक्टर मैस्कुलाइन। सर, तो आप लोग बोलते हो सर, तो सर यहाँ जो है मैस्कुलाइन, और मैडम, तो मैडम जो है वो मैस्कुलाइन है। नेव्यू, नेव्यू यहाँ पे क्या आप बोलोगे, नेव्यू, तो जो नेव्यू है वो भतीजा, नेव्यू, नेव्यू। यहाँ यह एच जो है वो साइलेंट है, यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, नेव्यू तो यानी कि भतीजा। नीस, NIECE, नीस यानी भतीजी, नीस जो है, तो नीस क्या बोलेंगे हम, भतीजी। तो इस तरह मैंने आपको मैथ द फॉलोइंग जो है वो एक्स्ट्रा दिया है आपको, और आपको पता चल गया होगा कि मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन नाउन्स और फेमिनाइन नाउन्स कौन कौन से है, तो आपको पता चलना चाहिए। तो मैस्कुलाइन यानी कि मैन, जो मैन है हम उसको मैस्कुलाइन बोलेंगे, और फीमेल यानी कि स्त्री, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे फेमिनाइन नाउन्स बोलेंगे। तो इसी तरह आपको ये आपको एक्सरसाइज में लिखना है और आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप ये लोग अपनी नोटबुक में, एक टाइम नोटबुक में और एक टाइम अपनी ग्रामर की बुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।